लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 39 सीटों पर मतदान होगा। खास बात यह है कि पांचवें चरण के इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी और इनके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। इस दौर में 4,26,00,000 महिलाओं और 5,409 थर्ड जेंडर वोटर्स सहित 8,95,00,000 से अधिक लोग अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। इस फेज में इलेक्शन कराने के लिए 94,732 मतदान केंद्र पर 4,47,000 मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें 13 महाराष्ट्र की, 14 उत्तर प्रदेश की, 7 पश्चिम बंगाल की, 5 बिहार, 3 झारखंड और 5 उड़ीसा के अलावा 1 जम्मू कश्मीर और एकमात्र सीट लद्दाख की है। खास बात यह है कि 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में पांचवा चरण ऐसा है जिसमें सबसे कम सीटों पर मतदान होने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और जरूरी फेज है क्योंकि इनमें से 40 से अधिक सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास थीं। मतदान के एक दिन पहले चुनाव आयोग ने यानी रविवार को बताया कि मुंबई, ठाणे और लखनऊ ने पहले मतदान के प्रति काफी उदासीनता दिखाई है, इसलिए वहां के शहरवासियों से अधिक संख्या में मतदान करने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोग विशेष रूप से इन शहरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कलंक को मिटाने का आह्वान करता है। पिछले 4 चरणों में अब तक कुल 66.95% मतदान हुए हैं। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई से हैं, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हैं और शांतनु ठाकुर बनगांव यानी पश्चिम बंगाल से हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान हाजीपुर से हैं, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के कल्याण से हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूड़ी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य दोनों सारण यानी बिहार से हैं। ओडिशा में 35 विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान होगा जहां बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उम्मीदवारों में शामिल हैं। महाराष्ट्र में जहां मुंबई में 6 सहित 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, यहां पीयूष गोयल, भारती पवार और कपिल पाटिल भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं। प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम भी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से प्रत्याशी हैं। इस फेज में शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और शहर कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ मुंबई उत्तर मध्य भी उम्मीदवारों में शामिल हैं। महाराष्ट्र के लिए ये आखिरी फेज है। उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी अमेठी से, ज्योति कौशल किशोर मोहनलालगंज से और भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से मैदान में उतरे हैं। इस चरण में लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। ये फेज कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बेहद खास है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी प्रत्याशी रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस फेज में उनके भाग्य का फैसला रायबरेली से भी होगा। ये नेहरू गांधी परिवार का क्षेत्र है जिसका प्रतिनिधित्व 2004 से उनकी माँ सोनिया गांधी कर रही हैं। भाजपा ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। अमेठी से स्मृति ईरानी हैं जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा दिया था। अब वो अपने दूसरे कार्यकाल की तैयारी में हैं, जबकि गांधी परिवार के सहयोगी केएल शर्मा को कांग्रेस ने यहां से मैदान में उतारा है।